वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ मी आशिमा सक्सेना एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो अभी जस्ट मेरे को लगा कि मैं जा रही हूँ, गाना बंद करो। तो मैंने सोचा आज 15 अगस्त है, सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और जब तक मैं ये ब्लॉग अपलोड करूँगी तब तक तो नेक्स्ट डे लग जाएगा, बट फिर भी मैंने सोचा आज मैं जा ही रही हूँ। थोड़ा पतंग वगैरह उड़ाने मेरे को तो नहीं आती, पर मैंने सोचा मैं जा ही रही हूँ तो मैं ब्लॉग करती हूँ, तो इसलिए मैंने जल्दी से अभी वीडियो स्टार्ट करी है। तो चलते हैं मेरे साथ, चलिए। गाइस, हम पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पर, यहाँ पे पतंगे चोरी करूंगी मैं, इनको आप जानते होंगे, ये अंकल बहुत फेमस है। और ये पतंग मुझे बहुत ज्यादा छोटी लग रही है, इधर भी है, बहुत छोटी है। ओह गॉड, ठीक है, इस कमरे को कब्जा करना पड़ेगा, चले, कुछ ज्यादा ही लाए हैं। सो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ अर्जुन भैया के घर पे और यहाँ पे पतंग उड़ाएंगे अभी हम लोग। और अभी शाम हो चुकी है, 4 बज चुके, बट फिर भी धूप बहुत ज्यादा है, बट अभी से हम लोग उड़ाने लग रहे हैं पतंग। और मैं आपको मिलवाती हूँ यहाँ पे कौन कौन है उनसे। सस्ता सलमान खान लग रहा है इस टाइम, ये सलमान बॉय, इसको आप जानते होंगे, इसको पतंग उड़ानी आती नहीं पर ये फिर भी उड़ा रहा है। अरे भाई, इसको भी आप जानते होंगे, इधर हाथ कट गए हैं, इसका हाथ देखो कितना गंदा कटा है। और ये रे गौरव भैया, से हाय। और ये अभी गाने चलाने वाले हैं, इसलिए मैंने बोला मुझे पहले व्लॉग करने दो, कहीं कॉपीराइट ना लग जाए। लड़के ने उड़ा ली, अभी आएंगे अर्जुन भैया। सो गाइस, ये है अर्जुन भैया, भैया से हाय टू माय चैनल। हाय हाय हाय। और भैया बहुत बड़ी पतंग लाया, ऑलमोस्ट अपने हाइट की, 6 फीट की और मैं 5 फीट की हूँ, तो मैं भी सोचो कितनी छोटी लगूंगी उसके आगे। दिखाती हूँ मैं आपको पतंग बेट, देखो कितनी बड़ी पतंग है। इस पतंग को उड़ाने में भी 3 बंदे लगेंगे। थोड़ा तेज बोल, फिर से बोल, देखो कितनी बड़ी पतंग है ये। किसी में उड़ा के भेज दूंगा भाई। अब ये बड़ी वाली पतंग भैया उड़ाने जा रहे हैं। सिस्टम देख रहे हो, 3 मांजे लगे इस पतंग में, और फिर भी सबसे बड़ी है तो आसमान में यही दिख रही है।
हालत इस खराब, भले ही मैंने पतंग नहीं उड़ाया बट डीजे का काम आज का मेरा ही था ना, इसलिए मैं थक गई। तो अभी हमारे पास बड़ी वाली पतंग एक और है और उसको उड़ाने जा रहे हैं। देखो दिखाते हैं, बन रहे है इस बारी 5 मांझे। और ये पतंग आसमान की ऊंचाइयों में। ये लोग ये लड़ते ही रहते हैं। और दिल्ली में ना 15 अगस्त को ही पतंगे उड़ती है, बाकी गुजरात में तो शायद मकर संक्रांति पे, और हर जगह अलग अलग देश पे उड़ते हैं, बट दिल्ली में 15 अगस्त पे ही पतंग उड़ाते हैं। और अभी आसमान बहुत सेक्सी हो रहा है, दिखाती हूँ मैं। हो चुका है पूरा अंधेरा बट स्टिल पतंग अभी भी लोग उड़ा रहे हैं। ये रही हमारी थैली, इसमें हम सब्जी लेते हैं। तुम लोगों के बस की कुछ नहीं है, तेरे बस की कुछ भी नहीं है। अभी देख रही थी कैसा लगा कटवा के। ओ फक, पैसा नहीं जाएगा फिर, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अरे मोरी भैया जा ही नहीं रहे। छोड़ दे भाई। अरे वो यही खेल रहा यार। वो ना वो तो भी पकड़ो, दो बंदे पकड़ा भाई, 10 घंटे हो गए। छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ थर्ड अटेम्प्ट है ये। टाइम लगता है यार, कैसे कुछ कब हो जाएगा ये। चलो लास्ट अटेम्प्ट है। अभी हम यहाँ पे खाना खाने आए हैं एंड शक्ल दिखती है कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। मैंने पतंग नहीं उड़ाई पर फिर भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, और हम अभी कुछ खाने आए हैं। और मेरा भाई अभी भी अपने बाबू से बात कर रहा, दिखाती हूँ कि कर रहा है। सो अब बस मैं खाने का वेट करती हूँ, खाना आ जाएगा उसको मैं खा लूँगी और घर चली जाऊँगी, और घर जाके ब्लॉग एंड करूँगी। तो हमारा खाना आ चुका है, और ये भिखारी इसको कभी खाना नहीं मिला।